करीब 1.5 माह के लॉकडाउन के बाद सरकार ने इसमें छूट देते हुए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक गाइडलाइंस की पालना करते हुए बाजारों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। अलवर में आज सुबह से ही बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अलवर के मुख्य बाजार होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार सहित आसपास के बाजारों में आई भीड़ बड़ी लापरवाही को दर्शा रही है, जहां किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। इस दौरान व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने आमजन से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। पिछले 1.5 महीने से पूरा बाजार रास्ता में बंद है, भारत में बंद है, रास्ता बंद सही है। और ग्राहक क्या है, जिनको जरूरी आवश्यकता है सामान की, वो बाजार खुलने पे एकदम से निकला है, क्योंकि 3 दिन बाद फिर छुट्टी है। कल से 3 दिन छुट्टी होने से ग्राहक एकदम से बाजार में निकला है, लेकिन व्यापारी अपनी तरफ से पूरा सामान उसी को दे रहा है जो मास्क लगा के आ रहा है। बिना मास्क वाले को सामान नहीं दे रहा, और खुद व्यापारी भी मास्क लगा के सामान बेच रहा है। और व्यापारियों से हमने स्पेशली कल निवेदन कर दिया था, आपने मीडियम पेपर में पढ़ा होगा, सब व्यापारी भाई इसका है कि मास्क लगा अपना व्यापार करें, और ग्राहक को जो मास्क लगा के आता है उसी को सम्मान दें। और थोड़ा सा ग्राहकों से निवेदन करना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपने बना के रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आज जो पूरा परिवार सुरक्षित है कहीं किस तरह से परेशानी में आ जाएं। जिसको सामान लेना है वही बंदा बाजार में निकले, इस समय वो समय नहीं है कि अपन बाज़ार में घूम ले, चलो कुछ लेना कुछ है नहीं, ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, लेना ना हो। जिसको सामान लेना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहें, मास्क लगा करके आएँ, और फिर भी कोरोना से बचने के लिए बाज़ार में कम से कम निकलें, भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में नहीं जाएं।